बोधगया में लोगों को एक संस्था के जरिए विदेशों से भी मदद मिल रही है। यहां पर कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति का जिम्मा विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी उठा रहे हैं। दुनिया के लगभग 10 देशों से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। संस्था के विवेक कुमार कल्याण के द्वारा आधार कार्ड और डॉक्टर का पुर्जा लेने पर आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। हमें पता चला, पास में गांव पड़ता है कि यहाँ सिद्धार्थ कैंपेशन ट्रस्ट द्वारा ये ऑक्सीजन फ्री में बांटा जा रहा। हम ऑक्सीजन लेना है सर, हमको पता चला, मेरे भाई को पता चला, वो नगर प्रखंड में कृषि सलाहकार हैं, तो वो बताए कि वो कल्याण के द्वारा, वो संस्था के द्वारा गैस वहाँ मुहैया कराया जा रहा, तो हमने तुरंत इनके नंबर को अधिकार करके इनसे हम संपर्क किया और ये हमको आश्वासन दिए कि आइए, आपको 1 बजे तक आपको सिलेंडर रख देंगे। राजधानी पटना में लॉकडाउन का असर साफ देखा जा सकता है। यहां का करगिल चौक सूना नजर आ रहा है, सड़कें खाली पड़ी हैं। लॉकडाउन के कारण